हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हो? सब ठीक होंगे? चलिए हम बनाते हैं। ये घिया हमने काट के रख चुका है, ये देख सकते हैं छोटा छोटा। और ये हमने चने की दाल भिगो के रखी है, वॉश करके, ठीक है, धो के। और ये हमने प्याज टमाटर और लहसुन का तड़का मार के मसाला भून लिया है। चलिए अब हमने मसाला हमारा भून चुका है, इसमें देख सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे घी, के घी डालेंगे, उसको हम भून लेंगे अच्छी तरह। फिर हमने सारा घिया डाल के इसे भूनेंगे अच्छी तरह 5 मिनट के लिए। फिर इसमें हम डालेंगे चने की दाल, ठीक है। आप भी इस तरीके से घी की दाल बनाएंगे, देखना बहुत ही टेस्टी बनेगी। और जिसको भी पूरा वीडियो चाहिए कमेंट में लिखना, ठीक है, तब मैं पूरी वीडियो डालूंगी। ये हमने दाल डाल के इसे भूनना अच्छी तरह। ठीक है, दाल को हम भी 2 मिनट के लिए भूनेंगे, तब इसमें पानी डालेंगे, ठीक है। देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे दाल से थोड़ा सा ऊपर, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें लगा देंगे ढक्कन, हमने ढक्कन लगा चुका है। अब इसमें 1 सीटी आने देंगे, 1 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस कर देंगे सिम, ठीक है, सिम आके बनाएंगे हम इसको। इसे हम 15 मिनट के लिए सिम में बनाएंगे, फिर देखेंगे 15 मिनट में हमारी दाल बनकर तैयार हो जाएगी परफेक्ट। इसके बाद मैं आपको ढक्कन खोल के दिखाऊंगा 15 मिनट में, ठीक है। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, इसे हम कर देंगे गैस को बंद। अब हम इसे ठंडा होने के बाद देख सकते हैं, अब हम कुकर को खोलेंगे, देख सकते हैं हमारी दाल गल चुकी है अच्छी तरह। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, थोड़ा सा हम मिर्चन डालेंगे, देख सकते हैं कितना गाढ़ा होगा। बस इसके लिए थोड़ा पानी कम डालना पड़ता है, और जैसे पतला चाहिए वो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, ठीक है। कुकर में डाल के दिखा देते हैं, भैया हमारा गल चुका अच्छी तरह, चने की दाल बता चुके, देखिए। ऐसे मैं आपको ये चने दाल कमेंट में लिखी जरूर, आप ये इस तरह से बनाएंगे, बड़ी टेस्टी बनेगी, ठीक है। बाय बाय।